नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक। इस वक्त मैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हूं और उत्तर प्रदेश में जो किसानों की हत्या हुई है उसके विरोध में आज पटना में छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। साथियों, बहुत विभत्स हाल को जाहिर किया गया है। कल इससे बड़ी घटना देश में और क्या हो सकती है कि आंदोलनकारियों पर एक इंसान बहसी हो जाता है और वो इंसान सामान्य इंसान नहीं है। इस देश के जनता से के पैसे पे पलने वाला मंत्री का बेटा होता है और वो गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के आंदोलन पर। किसानों पर 6 किसानों की जान चली जाती है। इससे विभत्स घटना और क्या हो सकती है। और ये देश की सरकार मौन है, उत्तर प्रदेश की सरकार मौन है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि देश की जनता मौन नहीं रहेगी, जिसका उदाहरण पटना के सड़कों पर इन विद्यार्थियों ने, एएसएफ के विद्यार्थियों ने दिया है। देश की जनता में भी यही उबाल है, यही संघर्ष का जज्बा बन रहा है। बहुत अन्याय और अत्याचार को इस देश की जनता ने सहा है, किसानों ने सहा है, अब हद से बाहर होते जा रहा है। अब हम सबको सड़कों पर उतरना होगा, ऐसी सरकारों को घेरना होगा, ऐसी पार्टियों को घेरना होगा, ऐसे नेताओं को घेरना होगा जो किसानों की जिंदगी को, आम आदमी की जिंदगी को जो कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों पर पुरजोर विरोध करना और उनका घेराव करना आज का मांग करता है, आज की जरूरत है। विश्वजीत कुमार, पूर्व छात्र नेता, एआईएसएफ और कार्यकर्ता भारतीय कम्युनिस्ट, एआईएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेश्वरी और एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी के नेतृत्व में छात्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ हैं एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी। तो ये जो मार्च हो रहा है, ये किस मांगों को लेकर के हो रहा है आप लोगों का? देखिए, दो चीज को लेके आज का ये जो अचानक एआईएसएफ ने जो पटना सड़क पे जो मार्च निकाला है, वो मेनली दो मुद्दों को लेकर। एक ये है कि अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे खोलने लगा है, तो इस टाइम में हम लोग देखे हैं कि पिछले एक सालों से गवर्नमेंट ने जो ये ऑनलाइन एजुकेशन, जो डिजिटल डिवाइड गवर्नमेंट के वजह से पैदा हुआ, जहाँ पे जिसके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप खरीदने का पैसा है, जिसके पास हर डे 2GB 3GB इंटरनेट फैसिलिटी अवेल करने का क्षमता है, सिर्फ वही ऑनलाइन क्लास अवेल कर पाए, बाकी जो आम स्टूडेंट्स हैं, आम घर के जो बच्चे हैं, वो नहीं कर पाए हैं। तो एआईएसएफ का हमेशा मांग रहा है सबके लिए एडुकेशन, सबको समान शिक्षा मिलने का अधिकार है। तो अभी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खोलेगा, तो हर एक स्टूडेंट को ये एडुकेशन मिलने का हक मिले, कोई डिजिटल डिवाइड ना हो, ऑनलाइन सिस्टम के वजह से किसी को मिले किसी को ना मिले, इस भेदभाव ना हो, इसके लिए इस मांग को लेके सबको इक्वल एडुकेशन, फ्री एंड इक्वल एडुकेशन के मांग को लेकर ये रैली है। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि किसान मूवमेंट सालों से चल रहा है, और कल आप देखे हैं कि किस तरह से किसानों के ऊपर वो जो गाड़ी चला के बीजेपी के नेता जो है, गाड़ी चला के किसानों का मौत हो गया है, वो जो भयंकर सिचुएशन है वो आप लोग देखे हैं। तो इस देश में जब से ये मोदी अमित शाह का राज चल रहा है, बीजेपी का सत्ता आया है, हम लोग देखे हैं कि बीजेपी के पक्ष वाले जो लोग हैं, आरएसएस के पक्ष वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन ये जो मौत हुआ है गरीब किसानों का, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करना होगा, एक्शन लेना होगा, यही हमारा मांग है। तो आप लोग किसको जिम्मेदार मांगते हैं इस घटना के लिए? किसके लिए? ये तो जो एटीट्यूड है, ये बीजेपी आरएसएस का जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी जिम्मेदार है। ये मेंटालिटी की वजह से आज एक साल से किसान वो दिल्ली बॉर्डर पे पूरा एक साल से ठंडा के टाइम में, सर्दी के मौसम में, गर्म की मौसम में एक साल से बैठा हुआ है। आज तक जो है किसान की मांग जो है उसको लेके गवर्नमेंट ने एक बार भी सीरियसली बैठा नहीं है, एक मांग को लेके कोई कमिटमेंट नहीं किया है। क्योंकि देश का जो ये बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड यही है कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक जो आवाज़ है उस आवाज़ को नहीं सुनेंगे, कोशिश करेंगे दबाने का। तो ये जो दबाने का जो एटीट्यूड है, उसके वजह से आज बीजेपी के नेता के हाथों ये मौत हुआ है। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे एआईएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव शुभम बनर्जी को, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद जो है
स्थिति सामान्य हुई है, बावजूद इसके जो है स्कूल और कॉलेज खुले नहीं है, ऐसे में जो गरीब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वह ऑनलाइन शिक्षा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है मोबाइल और लैपटॉप और मजबूत इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। साथ ही कल जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, उसके विरोध में यह मार्च है, यह लोग जो है जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग। देखिए आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में हर जिला में प्रदर्शन करने का जो है पूरे देश में आह्वान किया। इसका कारण ये है कि देश का इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने बेटा बेटी को नशे में धुत करके एक गाड़ी दे देता है और प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के ऊपर चढ़ाने की इजाजत दे देता है। ये जो कत्ल किए गए वहाँ पे, जो किसानों का मर्डर किया गया, ये प्लान करके मोदी और योगी की सरकार ने जानबूझ के किया। वो सोचते हैं कि जो 600 से ज़्यादा किसान इस मोर्चे में शहीद हो गए, उसके बाद अगर इनको सड़क पे कुचल के मार दिया जाएगा तो ये वापस चले जाएंगे। उनका वहम निकालने के लिए कि जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं खाली वो ही लोग नहीं हैं जो इस आंदोलन के साथ हैं, वो सारे लोग जो केरल से लेके कन्याकुमारी तक हर रोज इस आंदोलन के लिए दुआ करते हैं, हर रोज इस आंदोलन के लिए सड़क पे उतरते हैं, वो तमाम लोग आज पटना में भी AISA बिहार के कहने पे, पटना में गुरु गोविंद सिंह की इस धरती पे हम सब लोग निकले हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जब तक ये तीनों काले कानून जिसके बिना पे सरकार इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे अदानियों और अंबानियों का कब्जा करवाना चाहता है, हम उनको नहीं चलने देंगे। वो कानून तो रद्द होंगे ही होंगे, इस घटना के बाद इस देश की सरकार भी रद्द होगी, इस बात को हम पटना की धरती से कहना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ASF जो है बिहार वो कहीं ना कहीं जो है बिखर गया है, तो इस पे आपके क्या? ये जो प्रोटेस्ट अभी हम कर रहे हैं ये इसका सबूत है। जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं, अरे ये प्रचार तो हमेशा से होता आया कि कोई भी क्रांतिकारी संगठन जब आगे बढ़ेगा तो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, लेकिन उस इल्ज़ाम का जवाब सड़क पे निकला हुआ वो छात्र ही दे सकता है जो आज आपके सामने है। आज एक कॉल पे कि जब किसानों के साथ खड़े होने की बात आई तो स्टूडेंट्स ने इस मार्च को निकालने का काम किया। संगठन उस दिन 1936 से लेके एकमुठ था, है, और जब तक लड़ाई चलेगी इस दुनिया में अनइक्वालिटी के खिलाफ, अनजस्टिस के खिलाफ, इक्वालिटी का लड़ाई का झंडा को लेके ये संगठन एकमुठ रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। बीजेपी लीडर के हाथों गाड़ी से कुचल दिया गया है, ये जो घटना है ये बीजेपी RSS का जो मानसिकता है, जो मानसिकता हम लोग एक साल से देख रहे हैं, एक साल से देश के जो किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम से लेकर गर्मी के मौसम तक एक साल से बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो मांग है, जो हम सबको ठीक से खाना मिले, दो वक्त का निवाला मिले हमको हर एक नागरिक को, उसके वजह से हमारे लिए वो जो देश के जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा, कोई उनका जो मांग है आज तक ये बीजेपी RSS ने पूरा नहीं किया। हम लोग देखे हैं, चाहे वो एडुकेशन की मांग हो, चाहे वो खाने की मांग हो, चाहे सबके लिए कपड़े की मांग हो, या सबके ऊपर सर के ऊपर छत की मांग हो, जो भी मांग हम ये बीजेपी RSS से आज तक किए हैं, उस मांग को ये लोग हमेशा दबा के कुचलने की कोशिश किए हैं। ये जो हर एक मांग को, हर एक डिमांड को, हर एक आवाज़ को ये जो दबाने का, कुचलने का ये जो मानसिकता है, वही मानसिकता का ये परिणति है जो कल बीजेपी लीडर के बेटे ने ये किया है। तो ये मानसिकता के खिलाफ हमारा लड़ाई है, कल ये घटना घटा है और आज ये पटना के सड़क पे AISF जो यूनिट है, AISF यहाँ पे सड़कों पे आया है इसी मांग को लेके कि इस बार आपका ये जो हर एक आवाज़ को कुचल देने की जो राजनीति है ये नहीं चलेगा, जिन लोगों का मौत हो गया है इमीडिएटली उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा, अगर एक्शन आप नहीं लेंगे तो AISF के पूरे देश में 25 राज्य में AISF का जो यूनिट है, स्टेट काउंसिल है, AISF का नेशनल काउंसिल के कॉल में पूरे देश में AISF सड़कों पे उतरेगा, पूरे देश में AISF जो है अपना मूवमेंट खड़ा करेगा। ये जो अत्याचार, ये जो बेदर्दी से इन किसान भाइयों का जो मौत हुआ है उसका इमीडिएटली जो है उसका जांच करना होगा और जो लोग इसके पीछे है उसका पनिशमेंट जो है, उसका शास्ति जो है ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसी मांग के साथ AISF की यह रैली है, AISF का लड़ाई ऐसे ही पूरे देश में जारी रहेगा। इनका जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद।